पवन सिंह का पहला गाना खेसारी लाल यादव का दूसरा गाना, फिर भी पवन सिंह आगे नहीं निकल पाए खेसारी लाल यादव से। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आज दोनों सुपरस्टारों का एक साथ गाना आप सभी के बीच रिलीज हुआ है। पवन सिंह का पहला छठ गीत गाना रिलीज हुआ है, वहीं खेसारी लाल यादव का दूसरा छठ गीत गाना रिलीज हुआ है। फिर भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव से पीछे हैं लाइक्स के मामले में। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि खेसारी लाल यादव का सब्सक्राइबर ज्यादा है, इसीलिए खेसारी लाल यादव को ज्यादा व्यूज मिला है, लाइक मिला है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। माँ अम्मा फिल्म भक्ति पे पवन सिंह का कई सारा गाना आ चुका है, उस पे भी पवन सिंह के फैंस लोग एक्टिव हैं। तो चलिए इन दोनों गाने के लाइक्स के बारे में बात कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव के गाने को 8 घंटे में 88,000 लाइक्स मिला है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं बात की जाए पवन सिंह के गाने के लाइक्स के बारे में, तो पवन सिंह के गाने को 8 घंटे में 85,000 लाइक्स मिला है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। और 8 घंटे वाला रिपोर्ट में भी खेसारी लाल यादव से पवन सिंह पीछे हैं लाइक्स के मामले में। पवन सिंह का पहला छठ गीत गाना था, लाइक और व्यूज और कमेंट मिलना चाहिए था अच्छा, लेकिन थोड़ा डाउन मिल रहा है। और देखिए आगे क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नए गाने का 8 घंटे वाला रिपोर्ट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।